आपकी डिमांड पे ना बहुत सारे फोन लेके आ गया हूं। आप बोलते हो ना हमें ऐसे फोन चाहिए जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो और बढ़िया से बढ़िया हो। ये देखो आईफोन ही आईफोन, आप बोलते हो ना कि आईफोन ही आईफोन चाहिए। ये देखो मिनी वगैरह वगैरह सारे मॉडल है आईफोन के। ओके, आप बोलते हो कि गूगल चाहिए, हमें गूगल वाले फोन चाहिए। ये देखो गूगल वाले फोन है ये वाले, ठीक है। आप बोलते हो कि हमें सैमसंग वाले फोन चाहिए, देखो सैमसंग वाले ही फोन है। आप बोलते हो कि हमें मिक्स चाहिए, ऑल एंड्रॉइड वाले मॉडल, ये देखो नए से नए सारे के सारे मिलेंगे। और एक चीज और, कमाने वाला मौका, कमाने वाला मौका। आप बोलते हो ना कि डैमेज फोन जो हम बना के बेच लें, ये रहे जितने चाहिए इतने मिल जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉडल हैं, बहुत सारे, ठीक है। आप बोलते हो कि हमें कॉपी डिस्प्ले वाले फोन चाहिए, ये देखो कॉपी डिस्प्ले वाले फोन, ये देखो, ठीक है, ये देखो ये सारे के सारे, ये देखो, ठीक है। आप बोलते हो कि ऐसे फोन चाहिए जिसमें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो, बना के और अच्छे तरीका से हम बेच पाएं, ये रहे जितने चाहिए उतने आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। और आप बोलते हो कि भैया हमें पेटी टू पेटी खरीदना, भाई दबा के स्टॉक है, जितना चाहिए उतना मिलेगा, और पेटी खरीदते हो ना डिस्काउंट भी मिलता भाई। लो भाई मैं आपको लेके आ गया मोबो फिक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये इनका बोर्ड है, ठीक है, और ये एड्रेस इस पर लिखा हुआ सारा कुछ, और ये सर का ऑफिस है, तो अंदर चलते हैं हम। ये लो भाई, क्या हाल चाल है संदीप भैया, क्या कर रहे हो? और बस बढ़िया भैया, आप बताओ। कुछ नहीं भैया, नया स्टॉक आया था, एंट्री चेक कर रहा था कि मॉडल वगैरह क्या आए हुए हैं। जी अरे भैया, अपने कस्टमरों को माल भी तो देना है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ भैया, बढ़िया? सब बढ़िया। थोड़ा अपने बारे में बताओ ना संदीप भैया। मेरा नाम संदीप शर्मा है, ऑनर ऑफ मोबोफिक्स डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी कंपनी का एड्रेस है ऑफिस नंबर 201-202 सेकंड फ्लोर नामधारी चेम्बर देशबंधु गुप्ता रोड करोल बाग दिल्ली। हमारा जो काम है सारा का सारा यूज फोन का है, प्रेक्सो फोन हम बेचते हैं, लैपटॉप्स वगैरह ये सब का हमारा काम है। जी 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 भैया, भैया अच्छी सी डील दे दो, हमारा बीवर आए ना लौट के ना जाए, मतलब वापसी ना जाए और सामान लेके ही जाए। देखो भैया मैं आपको एक चीज ओपनली बोल सकता हूँ जी, वैसे तुम दिल्ली करोल बाग में बैठते हैं, यहाँ पे कोई कस्टमर आता है तो मैं कहता हूँ वापस तो खरीद जाता नहीं है, लेकिन अगर आपकी वीडियो से आ रहा है जी और मोबोफिक्स डिजिटल पे आ रहा है जी, तो ये मेरी गारंटी है उसे खाली वापस जाने नहीं दूंगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यही चाहिए, माल लेकर ही जाएगा इतना पता है, और चार पैसे कमाएगा ही जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मोबोफिक्स डिजिटल मार्केट में ट्रस्टेड कंपनी है, जो हम बोलते हैं वही करते हैं, हमारा दूसरा कोई वो नहीं है। हाँ, जो चीज नाजायज होगी वो चीज तो हम बिल्कुल मना कर देंगे, चाहे आपको बुरी लग जाए। बिल्कुल सही सी बात है, हम लोग बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। जो चीज हमें लग रही है कि आदमी सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो हम तो फिर हमें भी अपना फायदा देखना आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो कुछ मैं आपको इन्वेंटरी दिखा देता हूँ अभी, ये देखो ये के सारा का सारा ये QCO के स्टॉक है। Okay. इसमें हम 7 दिन की नेटवर्क की वारंटी देते हैं, ये आप देख सकते हो, ये आईफोन के मॉडल्स हैं, आईफोन 12 हो गया, 13 मिनी हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, सैमसंग फ्लिप 3 वगैरह हो गए, फ्लिप के फोन्स हो गए, आईफोन 11 हो गया, 12 प्रो हो गया, 12 प्रो मैक्स हो गया, 11 प्रो मैक्स हो गया, 12 मिनी हो गया, XR हो गया, आईफोन 11 हो गया, XS मैक्स हो गया, और भी मॉडल्स आते हैं हमारे पास, 14 प्रो मैक्स वगैरह काफ़ी आते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अभी और भी काफ़ी बहुत वाइड रेंज होती है हमारे पास। ये गूगल के आप फोन्स देख सकते हो, पिक्सल 6 हैं, पिक्सल 7 हैं, पिक्सल 7 प्रो है, काफ़ी मॉडल्स हैं हमारे पास में, और ये देख सकते हो ये एंड्रॉइड में मिक्स माल है हमारे पास में ये। ओके सर, मैं एक बात आपसे पूछूंगा। हाँ, QC हमें उसे बोलते हैं जो आप चेक करते हो। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ जी। देखो हमारे पास में क्या है, मेल बेसिकली हम जो मेनली काम करते हैं फ्लिपकार्ट का प्रेक्सो बेचते हैं। ओके, जो VRP टू VRP होती है जी, ठीक है। अब कई कस्टमर का मैसेज आता है एक पेटी दे दो, दो पेटी दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक VRP नंबर होता है, VRP नंबर का मतलब होता है लॉट ID। ओके, एक लॉट ID असाइन कर दी कि वो 100 क्वांटिटी है या 60 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है। अब 100 क्वांटिटी के अंदर दो बॉक्स होंगे, दैट मीन्स आपको दो बॉक्स ही लेने पड़ेंगे। ओके, समझ गए। अब हम काम कैसे करते हैं, हम जो काम करते हैं एक तो ये होता है सील्ड पैक VRP है। ओके, ठीक है, ये ऐसे लॉट्स होते हैं, आप देख सकते हो ये लॉट्स हैं, ठीक है, ये देख सकते हो पूरी आईफोन वाली VRP है, ये लॉट ID से VRP नंबर बोलते हैं 1459207, 22 पीस की है, 386,950 रुपये की है। जो भी डिस्काउंट होगा, मान सम्मान होगा, टेबल पर आ जाना, कर लेंगे जो भी है, फ़ोन पे कर लेंगे, VRP दे देंगे आपको। ये तो हो गया सील्ड पैक। इसके अंदर भाई जो भी जैसा भी स्टॉक निकलेगा वो आपका है भैया। Okay. हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, फोन कैसा भी निकले अंदर से हम आपको पहले ही बता देंगे कौन से ग्रेड में कैसा स्टॉक आता है, वो बताएंगे आपको सबसे पहले, सब बेचने से पहले। आपकी इच्छा होगी तो खरीदना, नहीं तो मत खरीदना। ये तो हो गया सील्ड पैक वाला माल। ओके, ठीक है, एक तो ये हो गया VRP। हाँ हाँ, दूसरा हो गया कि हमारे पास में क्या कह सकते हैं कि मार्केट में सभी के पास में हर एक आदमी 4 लाख रुपए का माल नहीं खरीद सकता, हर एक आदमी 50 लाख का माल नहीं खरीद सकता, हर एक आदमी 1 लाख रुपए का माल नहीं खरीद सकता। जी जी जी,
अलग अलग कस्टमर्स का अलग अलग टिकट साइज होता है। तो हम लोगों ने क्या करा, हमारे जो लड़के हैं उनको बोला है कि भाई एक 400-500-600 पीस कम से कम ओपन कर लिया करो इन हाउस ऑफिस के लिए, जिसमें कि जो हमारा रिटेल बायर है जो 15-20-50 फोन खरीदता है क्यूसी करके, जो आप उसको क्यूसी करके बेचना है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं लड़कों को, माल खोल लो, उसमें जो डैमेज वाला स्टॉक है वो अलग कर दो, ठीक है, डिस्प्ले डैमेज है उसमें, जो कॉपी फोल्डर वाला स्टॉक है वो अलग कर दो, ओके, और उसमें जो ओरिजिनल डिस्प्ले वाला, जैसे कि ये साफ कंडीशन का, कंडीशन तो हम नहीं कहते, पुराना फोन है, स्क्रैच डेंट तो आएंगे कम या ज्यादा जो भी हो, लेकिन ओरिजिनल डिस्प्ले फुल वर्किंग फोन है वो अलग कर दो, ओके। अब फैक्टर क्या है, जो ओरिजिनल डिस्प्ले वाला फोन है जो आपको डैमेज नहीं आएगा, इसमें सिर्फ आपको नेटवर्क की वारंटी आएगी, बाकी फोन आपको यही चेक करेंगे, डेड वापस नहीं लेंगे, डैमेज वापस नहीं लेंगे अगर हमने दिखा के दिया है तो, ठीक है। और अगर आप यहाँ से, लेकिन यहाँ से अगर आके लेके जा रहे हो तो आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आपको एक एक फोन तो नहीं दिखाएंगे, आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि पैसे आप दे रहे हो तो माल भी आप ही देखोगे ना, ठीक है। और हो गया कॉपी, और कॉपी फोल्डर और डैमेज, इसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बस इसमें बेनिफिट ये है आपको, इसमें कोई डेड फोन नहीं देंगे, ओके। कॉपी डैमेज फोन में आपको जस्ट फोन जैसे कि स्विच ऑफ है, पावर बटन नहीं दबा सकते, चार्जर लगाना है, चार्जिंग लोगो आ गया, ले लेना, मदरबोर्ड डेड नहीं देंगे कोई भी, बाकी फोन जैसा भी निकले आपका होगा, क्योंकि हम लोग कोई इसको क्यूसी नहीं करते हैं, इस पेटी में से जैसा फोन निकलेगा सीधा इधर डाल देंगे। अब वो चाहे 15 दिन पड़ा रहे हमारे पास, चाहे एक महीने पड़ा रहे, चाहे एक दिन में सेल हो जाए, उसकी टेंशन नहीं, लेकिन हम फोन चेक नहीं करते, क्योंकि हम 0% रिपेयर करते हैं, हमारा कुछ भी रिपेयरिंग का काम नहीं है, एज इट इज स्टॉक आएगा एज इट इज बेच देता हूँ। अब मैं आपको कुछ मॉडल्स के प्राइसिंग बता देता हूँ, जैसे कि MI का 12 Pro Plus 5G है, ये आपको दे दूंगा मैं सिर्फ 14,000 में फुल QCO के, 7 दिन की नेटवर्क की वारंटी। ये OnePlus का 7T है, 10,000 में दे दूंगा फुल QCO के ओरिजिनल डिस्प्ले, 7 दिन की नेटवर्क की वारंटी। ये MI का 11 Lite NE 5G, ये दे दूंगा आपको 9800 रुपये में फुल QCO के ओरिजिनल डिस्प्ले में, 7 दिन की वारंटी। ये OnePlus का 8T है, ये दे दूंगा आपको मैं सिर्फ 15,000 में फुल QCO, वेरियंट जो मर्जी हो उससे हमें मतलब नहीं, GB का रेट हम नहीं करते, ठीक है, 15,000 रुपये का OnePlus 8T, ठीक है। ये है OnePlus Nord 2 दे दूंगा आपको मैं 11,500 में फुल QCO के ओरिजिनल डिस्प्ले, 7 दिन की नेटवर्क की वारंटी। ये OnePlus का 9R है, ये दे दूंगा आपको मैं 16,000 रुपये का फुल QCO के ओरिजिनल डिस्प्ले, 7 दिन की नेटवर्क की वारंटी। ये X3 सुपर जूम है, ये दे दूंगा आपको मैं 8,500 रुपये में, रियलमी X3 सुपर जूम ओरिजिनल डिस्प्ले फुल QCO के। OnePlus 5, ये छोटी रेंज का फोन है, ये दे दूंगा आपको सिर्फ 3,500 रुपये में फुल QCO के। और भी दिखा देता हूँ, छोटी रेंज के काफ़ी फोन दिखा देता हूँ, क्योंकि मार्केट में क्या है 3,000-5,000 वाले फोन की ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी चाहिए होते हैं ये फोन्स। ये जैसे कि आप देख सकते हो, ये Reno 2F, ये दे दूंगा आपको मैं 7,500 रुपये में फुल QCO के ओरिजिनल डिस्प्ले। Realme 3 Pro दे दूंगा आपको मैं 3800 रुपये में फुल QCO के ओरिजिनल डिस्प्ले। Oppo A5S दे दूंगा आपको 3200 रुपये में फुल QCO के ओरिजिनल डिस्प्ले। Moto G10 Power 4500 रुपये में ओरिजिनल डिस्प्ले फुल QCO के। Note 5 Pro 3200 रुपये में ओरिजिनल डिस्प्ले फुल QCO के। Realme C11 3000 रुपये फुल QCO के। A5S तो बता ही दिया आपको 3200 रुपये में। कुछ ये डब्बे वाले फ़ोन्स हैं, C33 वगैरह हो गए, ये देख सकते हो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के निकले हैं। आज नया ही स्टॉक आया था, ओपन कर रहा था कि सारा का सारा ये मोटो के आप फोन देख सकते हो, काफ़ी वैरायटी आती है अपने पास में, ठीक है। और आप आ जाते हैं गूगल के फ़ोन पे, Google Pixel 6a आप देख सकते हो, ओरिजिनल डिस्प्ले में है, पूरा स्टॉक है, ये आपको पूरा का पूरा नेटवर्क वारंटी के साथ आएगा, कोई भी डिस्प्ले ख़राब नहीं, कुछ नहीं, पूरा QCO के आएगा। Google Pixel 6a दे दूंगा आपको मैं सिर्फ 14,500 रुपये में, रेट और भी कम हो जाएगा और क्वांटिटी बढ़ती है। Pixel 7 दे दूंगा आपको 23,500 रुपये में। Pixel 7 Pro दे दूंगा आपको सिर्फ 31,000 रुपये में। और Pixel 7a दे दूंगा आपको मैं सिर्फ 20,500 रुपये में। अब आ जाते हैं आईफोन पे, iPhone 12 64GB दे दूंगा आपको बढ़िया QCO के, बैटरी हेल्थ जो भी निकले, देखो भैया इंडियन फ़ोन है, प्रेक्सो में आता है, बैटरी हेल्थ मिक्स आती है, सर्विस हो चाहे 100 हो चाहे 80 हो 83, बैटरी हेल्थ जो भी हो उसका कोई पैसा नहीं है, कोई बार्गेनिंग नहीं है, सिर्फ फंक्शनैलिटी पे प्राइस होगा। iPhone 12 फुल QCO के ओरिजिनल डिस्प्ले में 24,564 GB। iPhone 12 128GB QCO के ओरिजिनल डिस्प्ले 26,000 रुपये। आ जाते हैं iPhone 14 पे, iPhone 14 128GB अंडर वारंटी में दे दूंगा आपको 40,000 रुपये में, वारंटी में नहीं होगा तो थोड़ा और रेट कम कर दूंगा, पीस एकदम ब्रांड न्यू आएगा फुल QCO के, बैटरी हेल्थ जो भी हो, पहली बात तो 13-14 में बैटरी हेल्थ अच्छी आती है अभी, ये देख सकते हो तो iPhone 13 का स्टॉक आया हुआ है काफ़ी, ये iPhone 13 है 34,000 रुपये में 128GB, बिल्कुल बढ़िया साफ कंडीशन QCO के। ये आप देख सकते हो iPhone 12 Pro आए हुए हैं, 12 Pro दे दूंगा आपको मैं 32,000 रुपये में 128GB फुल QCO के। ये दे दूंगा आपको iPhone 11 Pro Max 64GB
फुल क्यूसी ओके 24,000 रुपए में, या आईफोन XR दे दूंगा आपको मैं 64 GB सिर्फ 12,000 रुपए में, 128 GB 13,000 रुपए में, आईफोन 11 64 GB दे दूंगा आपको 16,800 में, 64 GB 18,200 में दे दूंगा 128 GB, आईफोन XS मैक्स दे दूंगा आपको 1,500 से 16,000 रुपए की रेंज में XS मैक्स। ये है आईफोन 12 मिनी, आप देख सकते हो काफ़ी आए हुए हैं स्टॉक, अभी और भी ओपन हो रहा है, बाहर क्यूसी हो रही है। आईफोन 12 मिनी आप देख सकते हो 128 और 64 GB दोनों वेरियंट आते हैं, 64 GB दे दूंगा आपको मैं 19,000 रुपये में, 128 GB दे दूंगा आपको मैं 21,000 रुपये का। ये जो मैंने रेट बताए हैं रेट हमारे फिक्स नहीं है, रेट और भी कम हो जाएंगे, वो डिपेंड करता है आप डील कैसी करते हो, हमसे क्वांटिटी क्या लेते हो। अब आपको मैं दिखाता हूँ जिसको मैं कहता हूँ ज़्यादा मार्जिन कमाना है क्यूसी ओके में, तो देखो हम लोग क्यूसी करते हैं तो हम भी थोड़ा अपना मार्जिन रखेंगे, लेकिन कोई कहता है कि भैया मेरे को मार्जिन और चाहिए, तो मैं कहता हूँ अगर आपका रिपेयरिंग का काम है, रिपेयरिंग कर लेते हो, टच डिस्प्ले फोल्डर हार्डवेयर रिपेयर कर सकते हो, तो आप लो डैमेज वाले फ़ोन। डैमेज वाले फ़ोन में जैसे कि रेडमी का नोट 7 प्रो है, क्यूसी ओके 4,100 रुपये का है, 4,100 रुपये का है, 4,100 रुपीज़ का है, तो डैमेज में वही फ़ोन आपको 2,600-2,700 रुपये पड़ेगा। फोल्डर कितने का भैया रेडमी नोट 7 प्रो है जय भाई? 500-600 रुपये का, 500-600 रुपये का, 700 रुपये का हाई साइड फोल्डर है, तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कितना खर्चा हुआ। कैमरे लेंस बैक पैनल ये तो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं, 60-70-100 रुपये के, भाई यही खर्चे होते हैं इनके। तो ये कुछ है डैमेज फोन्स, आप देख सकते हो डैमेज फोन्स में आपको कह सकता हूँ कि जो रेट हम दे देंगे आप ट्राई कर लेना, दिल्ली NCR में हमसे बेस्ट आपको कोई रेट दे नहीं पाएगा। ओप्पो F11 प्रो सिर्फ 2,500 रुपये में डैमेज, ओप्पो F11 प्रो 2,500 रुपये में। ये रियलमी का X2 दे दूँगा आपको सिर्फ 3,300 रुपये में डैमेज, फोन सारे चालू रहेंगे, फोन डेड कोई नहीं दूंगा, जस्ट हमारा लड़का चार्जर लगाएगा, चार्जिंग लोगो आ गए, इतना ही चेक कराऊंगा, क्योंकि हमको क्यूसी करके नहीं आ रहा इतना सारा स्टॉक है, हमको भी डेड में ही आ रहा है सारा स्टॉक। ओके ठीक है, जो जेन्युइन है वही बात करेंगे, चार्जिंग लोगो आ गया हटाओ, ओके डेड लोगो नहीं आया वो कैंसिल करो। पोको M3 डैमेज में 2,700 रुपये में, S8 प्लस 1,800 रुपये में, डिस्प्ले खत्म होगी शायद इसकी। मोटो का G60 3,500 रुपये में डैमेज में, 5,800-6,000 रुपये का फ़ोन होता है, क्यूसी ओके में 3,500 लगा लो, फोल्डर इतना महंगा नहीं, TFT डिस्प्ले। और आपको दिखा जाता हूँ कॉपी फोल्डर में, ये कॉपी फोल्डर के फ़ोन है जो चाहता है कि मेरे को डिस्प्ले ना लगानी पड़े, जस्ट छोटा मोटा कोई फॉल्ट हो रिपेयर कर लूँ। अब कॉपी फोल्डर क्या होता है कि जैसे कि हमारी टीम क्यूसी करती है, हमें लड़के क्यूसी करते हैं, कॉपी फोल्डर हम डालते थे डिस्प्ले चेंज है, आफ्टर मार्केट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले में बहुत ही ज़्यादा शेड आ रही है, ये ग्लास का कलर उतर रहा है, वो डाल देते हैं हम कॉपी फोल्डर में। तो कॉपी फोल्डर में रेट आपको कंपैरेटिवली ओरिजिनल के मुकाबले बहुत अच्छा रेट पड़ जाता है। ये रेट जैसे कि सैमसंग का A12 है, ये 4,500 का ओरिजिनल डिस्प्ले है, कॉपी फोल्डर में 3,500 रुपये का है। रेडमी का Y3 कॉपी फोल्डर में 2,000 रुपये का है। ये आसूस का फ़ोन है 1,800 रुपये में। ये पोको का M2 प्रो है, कॉपी फोल्डर में 3,500 रुपये का है। मेरे को कॉपी फोल्डर भी नहीं चाहिए, डैमेज भी नहीं चाहिए, और मेरे को ओरिजिनल डिस्प्ले वाला QCO के स्टॉक भी नहीं चाहिए कि मैं रिपेयरिंग कर लूँ लेकिन डिस्प्ले ओरिजिनल मिल जाए, लेकिन फ़ोन सस्ता मिल जाए। अब ये हमने कुछ कैटेगरी बना रखी है, इसमें क्या है, डिस्प्ले तो आपको ओरिजिनल आएगी लेकिन क्या होगा, फ़ोन में कुछ ना कुछ हार्डवेयर फॉल्ट होगा या बैक पैनल वगैरह कुछ भी ऐसा फॉल्ट होगा जो आपको रिपेयर ही करना पड़ेगा। तो ये उस तरीके के फ़ोन से दिखा देता हूँ, जैसे कि सैमसंग का ये नोट 10 लाइट है, डिस्प्ले ओरिजिनल है इसकी, ठीक है, ये आपको दे दूंगा सिर्फ 5,500 रुपये में। नोट 10 लाइट किधर मिलेगा 5,500 रुपये में, ये देखो इसके बैक पैनल की वजह से लड़कों ने इसको उसमें डाल दिया, और कुछ और भी फॉल्ट हो सकता है लेकिन हार्डवेयर फॉल्ट वाला सारा स्टॉक है, ठीक है। ये रेडमी का K20 प्रो है, ओरिजिनल फोल्डर है, ये आप देख सकते हो बैक पैनल टूट, अभी तो बैक कुछ और भी फॉल्ट हो सकता है। तो ये सारा का सारा जो स्टॉक है, ये जो हमारे जो टीम ने जो कर रखा है, सारा का सारा डिफेक्टिव ग्रेड का, ये सब ओरिजिनल डिस्प्ले वाला स्टॉक है जितना भी है ये सब। ये IQ का 7 लेजेंड है, डिस्प्ले ओरिजिनल है, कुछ हार्डवेयर खराबी होगी लेकिन फ़ोन इसमें भी कोई डेड नहीं होगा, क्योंकि डेड फ़ोन हम बेचते ही नहीं है, डेड फ़ोन हम बेचते हैं उसका एक अलग लॉट बनाते हैं, तो वो एज इट इज़ डील होती है, उसका कोई ठेका करता है एज इट इज़ देंगे हम। एक आ जाता है फिर अब ये VRP to VRP, जिसको होल सेलिंग करनी है, सही लेवल पे प्राइसिंग देनी है आगे अपने कस्टमर्स को, तो मैं सजेस्ट करूँगा VRP to VRP खरीदें, क्योंकि यहाँ पे क्या आपको प्राइसिंग की पावर मिलती है। ये ऐसे लॉट्स होते हैं, ये VRP आती हैं कंपनी से, और भी अभी VRPs है, अभी और भी स्टॉक आने वाला है थोड़ी देर में, ये आप देख सकते हो स्टॉक हमारे पास में हर दूसरे दिन तीसरे दिन आता है। ये जैसे कि 21 पीस की VRP है, ये जैसे कि 14 पीस की VRP है, ये जैसे कि 3 पीस की VRP है, ये जैसे कि मतलब अलग अलग तरीके की VRP आती हैं, और VRP में 5 ग्रेड होते हैं, P1 P2 P3 P4 P5, ऐसे 5 ग्रेड होते हैं और सभी अकॉर्डिंग ही फॉल्ट आते हैं।
इसमें जो सिर्फ रिप्लेसमेंट होगी वीआरपी में, दो ही चीज़ की होगी। एक, अगर आईफोन में कंट्री लॉक है और iCloud है, iCloud तो आपको इधर ही अपफ्रंट वेरीफाई करना होगा, घर जाके iCloud की कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि देखो एक ट्रस्ट फैक्टर वाली बात आ जाती है। कंट्री लॉक में क्या, आप ना आप लगा सकते हो ना मैं लगा सकता हूँ, वो लगता है सर्वर से, ठीक है। एक कंट्री लॉक की रिप्लेसमेंट होती है इसमें, और एक होती है फाइनेंस लॉक की। कंट्री लॉक और फाइनेंस लॉक वीआरपी में वापस हो जाएगा आपका। उसके लिए आपको एक मेल आईडी दूंगा, उधर आपको मेल करना है और मुझे डेटा डालना है, 7 दिन के अंदर आपको फ़ोन वापस करना होगा। 7 दिन के बाद अगर वापस करोगे तो फ़ोन वापस नहीं लेंगे। पीटी एकदम 100% सील्ड है, वीआरपी जो भी हम खुद वेरीफाई करके खरीदते हैं, और आपके पास भी सील्ड ही जाएगी वीआरपी। स्टॉक रेगुलर आता है और क्वालिटी भी ठीक ही आ रही है इस वक्त स्टॉक की, ये आप देख सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 फ़ोन टोटल हो गए। ये टोटल थी आईफोन वाली वीआरपी, ये आप देख सकते हो। ये इसमें ओप्पो का A31 2020 के, आप देख सकते हो P4 ग्रेड में आया हुआ है। अब ये जैसा भी होगा, टूटा आया होगा, ओके आया होगा, कस्टमर का है। P4 में कायदे से तो फ़ोन टूटा हुआ नहीं चाहिए, बट टूटा हुआ नहीं आया ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये आईफोन XR है, XR इसके अंदर एक ही, ये भी P4 में है, इसके अंदर देख सकते हो भैया, इसका बारकोड है आपको दिख रहा होगा अगर ये, ठीक है। ये भी हल्का सा बस इसका ग्लास टूटा है, बाकी ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, सस्ता ही आया होगा, ग्लास चेंज करा लेंगे तो। ये OnePlus 8T P3 ग्रेड में है, कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ओके आया ये फ़ोन। ये आईफोन 11 है, ये आईफोन 11 है भैया, ये आया हुआ है इसमें P4 ग्रेड में, सबसे ऊपर वाला ये, इसका आप कोड देख सकते हो, ठीक है। ये फ्रंट से ओके, बैक से डैमेज निकला है सिर्फ ये। ये आईफोन 12 है और ये आईफोन, दोनों ही 12 हैं, ठीक है। आईफोन 12 C5 ये वाला है, P2 में ऊपर वाला XPG, ये वाला है आपका P1 ग्रेड में, ये थोड़े महंगे आए होंगे। आईफोन 12 एक और आया इसमें, और भी आए मॉडल्स, आईफोन 12, आईफोन ये 13 प्रो, वो रियलमी 3 प्रो, आईफोन 11 अगेन, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। ये कौन सा ग्रेड में है, ये P2 ग्रेड में आया हुआ है आईफोन 11, ये देख सकते हो आप। ये वीवो का वाई हंड्रेड ये कौन से ग्रेड में आया हुआ है, ये आप देख सकते हो, वाई हंड्रेड P4 ग्रेड में आया हुआ है। ये डिस्प्ले इसकी OLED लगी हुई है, बाकी फ़ोन ब्रांड न्यू कंडीशन में, रेट भी सस्ता ही होगा, वर्किंग फ़ोन होगा। आईफोन 13 इसमें आया भैया, एक P2 में है, एक P3 में है, और जो ये वाला है JJ, ये P3 ग्रेड का ही वाला फ़ोन, बिल्कुल ब्रांड न्यू अनटच कंडीशन निकला, ऑल ओरिजिनल P3 ग्रेड में। एक और आईफोन 13, ये P2 ग्रेड वाला है, ये सबसे ऊपर वाला, ये आप देख सकते हो, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में निकला है। या वो OnePlus Nord निकला है, ये Nord इसमें आया है भैया P4 ग्रेड में, Nord एक ही है, डिस्प्ले ओरिजिनल है, बैक से भी ओरिजिनल है, टोटल फ़ोन ब्रांड न्यू है, ठीक है। ये आईफोन 12 प्रो निकला भी है, इसमें 12 प्रो एक ही है, देख सकते हो आप, P3 ग्रेड में है 12 प्रो, डिस्प्ले ओरिजिनल है, बैक से भी ओरिजिनल है, टोटल फ़ोन ओरिजिनल दिख रहा है। बाकी फ़ोन QC करने बाद में क्या खराबी निकले वो ऊपर वाला जाने, ठीक है। ये आईफोन 14 प्रो मैक्स निकला है इसके अंदर P3 ग्रेड में, सबसे ज़्यादा खतरा अपने को इसी फ़ोन में है, महंगा है, देख सकते हो, डिस्प्ले ओरिजिनल है, बैक से भी ओरिजिनल है, बिल्कुल फ़ोन ब्रांड न्यू कंडीशन में, आईफोन 14 प्रो मैक्स, ओके। तो कुछ ऐसा स्टॉक निकलता है, ज़रूरी नहीं है P4 ग्रेड में, P3 ग्रेड में आपको फ़ोन फिजिकल ओके और ब्रांड न्यू कंडीशन ही निकल जाए, ओके, उसमें टूटा भी आएगा, कॉपी फोल्डर भी आएगा, आपको डेड फ़ोन भी आ सकता है। किसी को बाय करना तो कैसे करेगा,
बाय करने के लिए आप हमें कॉल कीजिए। और पहली बात भैया देखो, मेरे पास में काफ़ी कस्टमर्स की कॉल आती है तो हम रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी ये वीडियो अपलोड होगी, हाँ। एक से दो दिन में वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, तो दबादब कॉल आने शुरू होंगे, तो मैं हर एक कस्टमर का टाइम पर रिप्लाई नहीं, और कुछ कस्टमर ने मैसेज किया होगा बहुत पहले तो उनका रिप्लाई नहीं दे पाया अभी तक, तो उसके लिए बहुत जल्दी सोल्यूशन निकालेंगे, वेबसाइट लॉन्च करेंगे, B2B वेबसाइट। आप वेबसाइट पर जाओ, फोन सेलेक्ट करो, खुद खरीद लो, हमें कॉल करने की जरूरत ही नहीं है, वेबसाइट वहीं से पेमेंट करो सब कुछ, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम रहेगा, जिसको QCOK स्टॉक चाहिए QCOK मिल जाएगा, जिसको VRP चाहिए VRP मिल जाएगा, जैसा भी स्टॉक चाहिए मिल जाएगा आपको रेगुलर। सर जैसे किसी को घर बैठे मंगाना तो वो कुरियर फैसिलिटी, कुरियर भैया हम करते नहीं है, कुरियर आपको खुद ही बुक करना पड़ेगा टू पे। ओके हाँ ठीक है, हाँ तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करें। हाँ जी ठीक।